अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज बहुत ठंडा मौसम हुआ हुआ है, सूरज निकला ही नहीं, देखें बादल आए हुए हैं और बारिश हो रही थी। अभी अभी बारिश जैसे रुकी है तो मैं ऊपर आगे मैं इनका व्लॉग बना लेता हूँ। अभी अभी रुकी है, अभी देखें यहाँ पर ग्रिल पे भी पानी आ रहा है, ये देखें अभी यहाँ पर। तो अभी अभी रुकी है बारिश और उम्मीद है कि दोबारा आ सकती है, क्योंकि 10 मिनट रुकती है, 10 मिनट फिर आती है, फिर 10 मिनट रुकती है, फिर आ जा सकती है। तो मैं ऊपर आ गया, मैंने कहा सबसे पहले अपने परिंदों को खोल दें। यहाँ पर ये वाली मुर्गी को मैंने रात हैरी के साथ बंद कर दिया था, क्योंकि हैरी काफ़ी दिनों से अकेला था, तो मैंने सोचा कि हैरी के साथ इस मुर्गी को हम बंद कर देते हैं। और एक पेयर ये हो गया, एक अंदर जो अंदर हमारे अंडे देने हैं ना, एक पेयर वो हो गया और एक ये। अब खोल देता हूँ मैं अपने कबूतरों को और देखता हूँ कि अंदर पानी तो नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर तो पानी खड़ा हो गया पिंजरे में, तो अंदर नहीं गया पानी। चलो यार ये अच्छी बात है कि अंदर नहीं गया पानी, नहीं तो कबूतरों में सर्दी भी लग सकती थी। तो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों क्या करते हैं, मैं पहले इन्हें दाना डालता हूँ और आज हम ऐसा करते हैं, आज हम अपने कबूतर भी उड़ाते हैं। वो देखें वो वाला पेड़ वहाँ पर जाकर बैठ गया, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और ये आ गए वापस यहाँ पर, अभी हम डालते हैं इन्हें दाना, जैसे दाना खाने लगेंगे हम इन्हें फिर उड़ाते हैं। यहाँ पर हम दाना, थोड़ा सा दाना लेते हैं, आ, 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 थोड़ा बहुत ही दाना खा लें, इतना कि इनका थोड़ा बहुत पेट भर जाए, आराम से उड़ सकें। उसके बाद हम 4 से 5 कबूतरों को उड़ाएंगे। दाना मैंने डाल दिया, कुछ खा रहे हैं वहाँ पर हैरी और उसकी फीमेल वहाँ पर है, बाकी कबूतर हमारे यहाँ पर हैं। यहाँ मैंने दाना डाला हुआ है और माशाल्लाह देखे कैसे मस्ती कर रहा है, गुड़ 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 कर रहा है। ये इसकी फीमेल है, ये पीछे पीछे घूम रहे हैं, बाकी सारे दाना खा रहे हैं। और वहाँ पर हमारे सामने जो रहते हैं ना नेबर्स, उन्होंने भी रखे हुए हैं परिंदे, तो उनका मुर्गा देखें अपने आप बारिश में बैठा मज़े ले रहा है, बारिश के ये बैठा हुआ। तो एक ये बैठा, बाकी वहाँ पर नीचे फिर रहे हैं, ब्लैक कलर का है ये। तो दोस्तों इतने ये दाना वगैरह खाते हैं, तो मैं अपने देसी मुर्गियों को भी खोल देता हूँ कि देखें ये यहाँ पर दाना खा रहे हैं। अब मैं खोल देता हूँ देसियों को, देखता हूँ कि इन्होंने आज अंडा दिया है या नहीं। तो भाई साहब अंडा दिया हुआ है माशाल्लाह, अच्छी बात है यार, अच्छी बात है भाई, रोज़ दे दिया करो, मैंने कौन सा तुम्हें कुछ कहना है। ये देखें माशाल्लाह अंडा दिया हुआ है, तो अब हमने ये अंडा खाना भी नहीं, अब हमने ये जमा करने हैं यहाँ पर। तुम भी यहाँ पे आ जाओ, इसे भी हम ऐसे कर देते हैं और देख लेते हैं। तो भाई अंडे अभी भी ठंडे हैं, ठंडे अंडे, फिर भी हम ढक देते हैं इन्हें सही तरह से। अंडे तो हैं ठंडे, क्योंकि अब हम इन्हें खुद तो गर्म करने से रहे, क्योंकि सर्दी बहुत है, ये हो जाते हैं, लग रहे ये ठीक रहे। तो बाजरा डालता हूँ मैं, ये देखें मेरे हाथ में, इतने ये खा लेते हैं। हम अपने अंदर वाले परिंदे देखते हैं कि कैसे हैं सब। दोस्तों अंदर में आ गए, देखें कितना शोर मचाया इंसानों ने, और आज एक डक ने अंडा दिया हुआ है, मतलब एक ने देना बंद कर दिया। ये हमारी छोटे वाली है ना, ये बंद कर देती है बीच में ही देना, जब इसका दिल करता है दे देती है, जब दिल करता है तो ये हट जाती है। तो एक पड़ा हुआ अंडा, हम एक ही उठा लेते हैं और माशाल्लाह अंडा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और अब हम देखते हैं ऊपर इन्होंने अंडा, माशाल्लाह ये मुर्गी भी हमारे अंडा दे रही है, और बहुत मैं बहुत खुश हूँ कि ये मुर्गी अंडे दे दिया, बस अल्लाह करे ये कूड़क हो जाए और अपने अंडों पर बैठ जाए। तो ये 2 अंडे भी रख देते हैं, अब डेली के तकरीबन कभी कभी 2 अंडे आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, तो अच्छी बात है। अब आज आए हमारे पास 3 अंडे, तो तकरीबन हमारे पास कल 12 थे, आज हो गए 15 अंडे। तो जब ये मुर्गी कूड़क होगी हमने इसके नीचे रखने हैं 15 ही अंडे, बाकी जो होंगे वो हम खा लेंगे। तो हम रखेंगे 15 अंडे, इनमें होंगे 7 होंगे बत्तखों के और बाकी 7 ही रख देंगे हम मुर्गी के, 14 रख देंगे अंडे, बाकी हम खा लेंगे, क्योंकि बाकी अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, एक मुर्गी इतने सारे अंडों पर बैठ भी नहीं सकती। अगर दूसरी मुर्गी कूड़क होगी या एक कोई भी बत्तख होगी कूड़क, तो इन्हें डाल देंगे, इन्हें बिठा देंगे अंडों पर। बाकी यहाँ पर माशाल्लाह सारे बिल्कुल ठीक है। दोस्तों दाना वाना मैंने इन सारों को डाल दिया, देखें माशाल्लाह सारे खा रहे हैं, और बाकी हमारा ये वाला मुर्गा भी बाहर खुल गया है, डक्स भी हमारी खुल गई हैं, सार
कुछ खोल गया। बस वो जो मुर्गी अंडे दे रही थी ना उसे मैंने निकाला, क्योंकि वो अंदर ही ठीक है, वो यहाँ बाहर देसियों के साथ नहीं, हमने इसे छोड़ना नहीं तो पता नहीं कूड़ा खून ना हो। अब जैसे कूड़ा खोगे हमने इसे बिठाना अंडों पर, और बाकी देख सकते हैं सारे दाना खा रहे हैं, कबूतर भी खा रहे हैं, सारा खा रहे हैं। अब हम इन्हें उड़ाते हैं, तो अगर मैं इन्हें ऐसे ही उड़ाऊँगा तो ये आ जाएंगे वापस। मैं हाथ में ले लेता हूँ ये, हालाँकि ये हमारा सारा ख़राब हो गया और देखें टूटा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। तो यार जिसने उड़ना था वो उड़ के बैठ गया ऊपर। अब ये ब्लैक वाला उतर जाए फिर हम बाकी को उड़ाते हैं, क्योंकि ब्लैक के पर नहीं है। इसको उतार लें, अब इन्हें उड़ाते हैं। तो यार देखें माशाल्लाह हमारे तीन, एक वो रहा एक वहाँ पर है, देखें उड़ रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब आ जाएंगे ये वापस, अब ये बैठेंगे बड़ी छत पे, इनको पता एक वो रहा दो गए वहाँ पर और एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो अभी जैसे मैं दाना डालूंगा ये वापस आ जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों हमारे कबूतर बैठे हैं, वो चारों के चार वहाँ पर चले गए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो बैठे ये आगे 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब ये आगे जी वापस आ गए। तो देखें यार माशाल्लाह हमारे हो गए ये गिरदान पूरे, देखें अभी उड़ते हैं वहाँ पर जाके बैठते हैं, कभी यहाँ पर बैठते हैं कभी यहाँ पर बैठते हैं कभी वापस आ जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे सारे कबूतर गिरदान हो गए, और यहाँ पर एक देखें कितना प्यारा कबूतर है, ये गुड़ 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 रहा है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। हालाँकि इसके पर भी हैं लेकिन ये कमज़ोर है शायद, ये देखें ये देखें, बस ये इतना ही उड़ सकता है, इससे ज़्यादा इसके अंदर जान नहीं है, बहुत कमज़ोर है ये कबूतर। बाकी ये हमारी फीमेल ये जो दो दिन बाहर रह के आई थी, ये भी हमारी पक्की गिरदान हो गई है, ये भी अब कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये दो दिन हमारी बाहर रही है फिर आई है, तो इसे हमारा घर बहुत पसंद आया। बाकी बाजरा भी इन्होंने तकरीबन खा लिया, मैं डालता हूँ इन्हें दाना और बाकी अंदर मुर्गी को भी दाना डालता हूँ, देखते हैं कि बच्चा कितना बड़ा हुआ, वो बजरी का बच्चा ठीक है भी या नहीं। दोस्तों इस मुर्गी ने इतना तंग किया हुआ, ये कह रही है बाहर जाना, लेकिन इसे हमने नहीं खोलना। यहाँ पर मेरे पास दाना है, ये इनका भी पूरा है, मैं लाया हूँ ये अपनी इस मुर्गी के लिए, इस मुर्गी के लिए दाना लाया हूँ ताकि ये यहाँ पर अंदर खा ले, और बाकी अब हम देखते हैं कि बच्चा कितना बड़ा हो गया। तो माशाल्लाह बच्चा एक एक्सपायर है और एक बिल्कुल ठीक लग रहा है, यहाँ पर भी फीमेल का दाना पड़ा ऊपर भी पड़ा होगा, तो ये सही सर्वाइव कर रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, और ये भी माशाल्लाह सही इनके वेट कर रहे हैं अंडे। और तुम अपना हाल बताओ भाई कैसा है, इसका वही काम, देखे दो अंडे दिए हुए, बैठना नहीं है इसने, बस अंडे देने हैं, इसने क्या करना बस अंडे देने और इनको वेट नहीं करना इसने। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फ़ायदा उन अंडों का जो हम इनका ना, तो इसके अंडे हम खा सकते, इतने इतने अंडे होते हैं उनमें एक बच्चा भी पेट नहीं भर सकता इतने, ये तो पता नहीं कुछ भी नहीं हो सकता इनका, ना इन्होंने बच्चे निकालने ना हम इनके अंडे खा सकते, और इनमें ज़्यादातर है भी मेल, फीमेल बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर एक मुझे बजरी की तबीयत नहीं ठीक लग रही इसकी, तो देखिए ऐसे लग रहा है इसे सर्दी लगी हुई है, आज बहुत सर्दी है दोस्तों। तो भाई यहाँ पर फिर हमारे ये कबूतर ऊपर चले गए हैं, अभी उड़े हैं ये फिर वापस आए हैं, देखें कभी उड़ जाते हैं कभी वापस आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पानी डाल दिया मैंने, पानी भी पी लिया सारों ने, ये भी आ गए पता नहीं कहाँ गया हुआ था उड़ने, ये फीमेल भी नहीं उड़ सकती इससे, मेरे आई थिंक इसे लकवा है, और ये उड़ सकता है लेकिन ये उड़ता नहीं है, ये देखें उड़ सकता है इतना ये कमज़ोर है, इसे है भी नहीं कुछ, ये देखें ये बिल्कुल ठीक है, बस ये खुद ही नहीं उड़ता। बाकी माशाल्लाह सारे बिल्कुल ठीक हैं, सारों को मैंने दाना वगैरह डाल दिया, आज बहुत फ्रेश है, आज बारिश आई है बहुत, और मेरा ख्याल है कि दोबारा भी आएगी। तो दोस्तों ये था आज का मेरा व्लॉग, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे सब लोग आएंगे सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।